हम बनाने जा रहे हैं मटन दम बिरयानी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 किलो चावल लिया है, इसे मैंने धो लिया है। 500 ग्राम मटन, इसे मैंने कुकर में 2 विजल तक उबाल लिया है। 1 पिंच रेड फूड कलर, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटे चम्मच घी, कुछ पुदीने के पत्ते और कुछ हरा धनिया, मैंने इसे चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने लिया है 5 मीडियम साइज प्याज, इसे मैंने लंबाई से काट लिया है, और 4 नींबू, इसे मैंने कट कर लिया है, 7 से 8 हरी मिर्च, इसे मैंने लंबाई से काट लिया है, और 3 बड़े चम्मच तेल, 250 ml दही, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और खड़े मसाले लिया है, दालचीनी 4 से 5 लौंग, 1 बे लीफ, 4 छोटी इलायची। अब हम चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। साथ ही हम लेंगे 4 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने यहाँ चावल में पानी डाल दिया है, आप पानी अपनी उंगली ऐसे डुबा कर ऐसे मेजर कर सकते हैं, इतना सा पानी डालें ताकि ये जो बीच में जो मार्क है पानी उसके नीचे तक रहे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच नमक और इसे ढककर पकने देंगे। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारा जो चावल है वो पकना शुरू हो गया है। अब हम चलते हैं बिरयानी के प्रिपरेशन की तरफ। मैंने यहाँ गैस ऑन करके एक पतीला चढ़ा दिया है और इसमें अब हम डालेंगे हमारा तेल जो हमने लिया था, 3 बड़े चम्मच तेल। इसमें हम हमारे खड़े मसाले डाल देंगे। कुछ सेकंड्स तक इस तेल में हम हमारे मसालों को भून लेंगे। हमारे मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारा चॉप किया हुआ प्याज। हम इस करी को, जो बिरयानी का जो ग्रेवी है, इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हमारे ऑनियंस गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ये लगभग थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे चावल जो है 50% तक पक गए हैं। इसे स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 5 से 10 मिनट तक इसे पकाइए, उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। तकरीबन 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारे चावल जो है जो ऑलमोस्ट 70-80% तक पक गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा गैस का जो फ्लेम है वो ऑफ कर देंगे और इसे ढक देंगे। आप देख सकते हैं हमारे ऑनियंस जो है गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे ऑनियंस जो है अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब हम थोड़े से ऑनियन गार्निशिंग के लिए निकाल लेंगे। इतने से ऑनियन काफ़ी है गार्निशिंग के लिए। अब हम इसमें डालेंगे हमारे चॉप किए हुए हरी मिर्च और हमारा 4 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको अच्छे से हम 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे, तब तक के हमारा जो रॉ स्मेल है जिंजर गार्लिक का वो चला जाए। अब हम इसमें डालेंगे हमारे चॉप किया हुआ हरा धनिया और पुदीना और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और 1-2 मिनट तक पकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारा बॉयल किया हुआ मटन। मैंने मटन को इसलिए बॉयल किया है ताकि जो हमारी बिरयानी है जल्दी से पक जाए। और साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हमारा दही और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे और 1-2 मिनट तक पकने देंगे। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। हमने चावल में भी थोड़ा सा नमक डाला था तो हम इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल लेंगे।
इसमें डालेंगे हमारा नींबू का रस और इसको अच्छे से मिला देंगे। एक दो मिनट तक इन सारी चीज़ों को हम पकने देंगे, उसके बाद हम हमारे जो चावल हुए हैं, चावल जो पके हुए हैं वो डाल देंगे। मैंने अब हमारा फ्लेम जो है जो लो कर दिया है, अब हम क्या करेंगे, ये आधा जो ग्रेवी है उसको निकाल लेंगे। अब हम इसमें लेयर लेयर करके हमारा जो चावल है वो डालेंगे। इस तरह से फैला दीजिएगा आप। इस तरह हम एक लेयर चावल का बनाएंगे। इस पर हम डालेंगे जो हमारे ब्राउन अनियंस हमने निकाल कर रखे थे वो डालेंगे। आप चाहे तो इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं और थोड़े से पुदीने के पत्ते डालेंगे और थोड़े से चॉप्ड कोरिएंडर यानी धनिया के पत्ते और साथ ही हमारा जो फूड कलर है उसमें थोड़ा पानी डाल के मैंने इसे घोल लिया है। एक लेयर इसका डालेंगे। अब हम जो बाकी का हमारा मटन है, करी है बिरयानी का, अब हम इस पर ये डालेंगे। इसको अच्छे से फैलाएंगे और बाकी का जो बचा हुआ राइस है वो अब हम इस पर डाल देंगे। अब हम इस पर हमारा बचा हुआ जो ब्राउन ऑनियन है वो डाल लेंगे। फिर से सेम पुदीने के पत्ते और चॉप कोरिएंडर। और हमारा जो बिरयानी कलर है रेड वो। अब हम थोड़ा एक चम्मच जो घी लिया था हमने वो ऊपर से डाल लेंगे इस तरह। और अब इसके नीचे तवा रख कर 5 से 10 मिनट तक हम लो फ्लेम पर इसको दम होने देंगे। हमारी गर्मा गर्म दम बिरयानी रेडी है। आप चाहे तो मटन के बजाय चिकन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चिकन को बॉईल ना करें, डायरेक्टली करी में डालकर पकाएं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।